हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेसन था अपना अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। कौन सा था? अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, रिश्तों की समझ है। तो और रिश्तों की समझ, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भी जो फैमिली होती है उसमें वो कितने प्रकार की होती है, फैमिली कैसे बनती है। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है, जॉइंट फैमिली कैसी होती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें केवल फादर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स या फिर सन और डॉटर ही रहते हैं। स्मॉल फैमिली होती है और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊ जी, ताई जी, सब सारे आ जाते हैं उसमें। तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिली कहलाती है। तो हमने लेसन तो पूरा पढ़ लिया था, अब इसका जो होमवर्क है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग था फैमिली, FAMILY, फैमिली में से परिवार। उसके बाद में रिलेशन, रिलेशन मीन्स संबंध। सैड, सैड मीन्स उदास। रिसेस, रिसेस क्या होता है, जैसे अपने लंच लंच होता है ना स्कूल में, उसे बोलते हैं रिसेस, RECESS, रिसेस, मध्यावकाश। उसके बाद में है हैपन्ड, HAPPED, हैपन्ड, कोई घटना घटित होना, उसे बोलते हैं हैपन्ड। सफरिंग, पीड़ित होना, SUFFERING, सफरिंग, बुखार से पीड़ित होना या फिर जुकाम से पीड़ित होना। वरिड, चिंतित होना। यंगर, यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा, YOUNG, यंग, छोटा। नेबरहुड, नेबरहुड की स्पेलिंग देखो, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस। एक तो होता है नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, और एक होता है नेबरहुड जो अपने पास में रहता हो, उसे बोलते हैं पड़ोस। उसके बाद में है कॉरपोरेट, कॉरपोरेट का मतलब होता है सहयोग करना। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी होता है आनुवंशिक, जो जनरेशन टू जनरेशन मतलब चलती आ रही हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आ रहा हो, उसे बोलते हैं हेरिडिटरी। टुगेदर क्या होता है, साथ साथ, टुगेदर साथ साथ। प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है व्यवसाय, जो धंधा होता है, काम होता है, उसे बोलते हैं। माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट होता है दूसरे देश में जाना, माइग्रेट करना। कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। हैबिट, आदत, बिहेवियर, जो मतलब व्यवहार होता है, उसे बोलते हैं बिहेवियर। उसके बाद में है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है आर्थिक स्थिति, मतलब पैसे ज़्यादा हैं या कम हैं, क्या कंडीशन है पैसों की। इनकम होता है आय है, और एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। एमरजेंस होता है उभार। अडॉप्शन होता है गोद लेना, क्या होता है गोद लेना, ये भी हमने पढ़ा था। सडनली अचानक, लीगल होता है कानूनी। रिजेंबल्स समान होना, RESEMBLES, रिजेंबल्स समान होना। कॉम्प्लेक्शन स्वरूप, क्या होता है स्वरूप। उसके बाद में वीटिश, गेहुआ, जो वीट होता है उसके रंग के जैसा। अवार्डेड, पुरस्कृत करना। एक्सेप्ट, सिवाय, मतलब इसके सिवाय, इसको छोड़ करके। रिकॉग्नाइज, पहचान करना। काफ, CALF, काफ, काफ में से बछड़ा, जो गाय का बच्चा होता है उसे बोलते हैं काफ। फीचर्स, लक्षण। ट्विंस होता है जुड़वा। फोर फादर है पूर्वज, क्या होते हैं फोर फादर है पूर्वज, हमारे दादा परदादा बोलते हैं पूर्वज। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर थे, तो MCQ थे, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है
योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, कि आपकी जो रिलेशनशिप, आपका जो रिश्ता है विद योर मदर्स ब्रदर, आपकी माँ के भाई के साथ। अब आपकी माँ का जो भाई है वो आपको क्या लगा? मामा लगा ना, क्या लगा? मामा लगा। और आप क्या लगोगे? उनके भांजे लगोगे। तो जो भांजा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्यू। क्या बोलते हैं? नेफ्यू। तो आंसर आ जाएगा नेफ्यू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ योर फादर इज योर, कि आपके पिताजी के पिताजी, तो आपके दादाजी हो गए, तो ग्रैंड फादर। उसके बाद में है, योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी के भाई कौन है? आपके अंकल हो गए, तो उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होगी? पैटर्नल अंकल। वो आपके क्या लगेंगे? पैटर्नल अंकल लगेंगे। ब्रदर तो होगा नहीं, सन भी नहीं होगा, मैटर्नल अंकल नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा इसमें अपना सी आ जाएगा, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल का मतलब है जो पिताजी की साइड हो, हैं, और माताजी की साइड हो तो उसे बोलते हैं मैटर्नल अंकल बोलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो आई थिंक आपने ये सारा होमवर्क कर लिया होगा, हैं, नोटबुक में कर लिया होगा, क्योंकि ये जो लेसन आपका, ये स्कूल आने के बाद में चेक होगा, ये काम चेक होगा। तो आपने अच्छे से कर लिया होगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो पहला क्वेश्चन था अपना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो अपना आंसर था कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, हैं, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, चाचा, चाची लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। और ये बड़ी होती है, इट इज़ ए बिग फैमिली। उसके बाद में न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली इन विच ए पेरेंट्स, सन एंड डॉटर लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, इट इज़ ए स्मॉल फैमिली। इतना आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के रूप में, जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य किया था। तो एक तो था ग्रेगर जोहन मेंडल, और सेकंड था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इजी हैं ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है क्वेश्चन। व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर्स सिस्टर, व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर्स सिस्टर, कि आपकी माँ की जो सिस्टर है उनके साथ में आपकी क्या रिलेशनशिप है? तो सी इज माई आंट मौसी जी, तो वो आपकी क्या लगी? मौसी जी हो गई। और आप क्या लगे? उनके नीस या नेफ्यू, एंड आई एम हर नीस एंड नेफ्यू। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन था, फीचर्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन दी फैमिली इज कॉल्ड, कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर उनसे आगे वाली पीढ़ी में जो पास होते हैं, तो ऐसे फीचर्स को क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी फीचर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी फीचर्स कहा जाता है। तो ये थे आपके, इसमें वर्ड मीनिंग थे, MCQ और क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको याद करने हैं। और इसका आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, तो वो उसके लिए आप तैयार रहना, कभी भी हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।